हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आइए देखते हैं यूपी पुलिस परीक्षा के जो संभावित क्वेश्चन हैं आपके लिए। फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट होगा आपका हिंदी का। फ्रेंड्स, ये वीडियो रुकनी नहीं चाहिए। आप जितने भी फ्रेंड और फैमिली हैं, जितने भी क्लास में आपके सभी साथी हैं, उनके पास ये वीडियो सेंड कीजिए, ताकि क्योंकि कल से स्टार्ट हो रहा है यूपी पुलिस परीक्षा का पहला दिन जो है, और 23 से 31 अगस्त तक चलेगा। तो जनका जो है प्रथम पाली सेकेंड पालियों में है, फ्रेंड आपको बता दें कि वे जो है परीक्षा के दिन पहले से ही सब चीजें कंफर्म कर लें, कितनी दूरी है, किस तरीके से उन्हें जाना है, और जो है क्योंकि एडमिट कार्ड फ्रेंड निकल रहा है, आज से ही एडमिट कार्ड निकल रहा है। तो फ्रेंड्स, एडमिट कार्ड निकाल लीजिए, जिससे जी आपको परीक्षा केंद्र या किसी भी प्रकार की सुविधा का सामना न करना पड़े। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड, स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, दोहा में कितने चरण होते हैं, अर्थात आपका विकल्प है 2, 4, 6 या 8। तो आपका आंसर होगा फ्रेंड 4, अर्थात दोहा में 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, जनसाधारण के गीत क्या कहलाते हैं। आपने सुना होगा जनसाधारण का गीत, तो बताना है आपको क्या कहलाएंगे वो, लोकगीत, ग्रामीण गीत, वाग्दत्ता या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आपका जो जनसाधारण के गीत होंगे, जनसाधारण मीन्स ऐसे ही जो भी कोई गा सकता है, उसे ही आपको लोकसाधारण जनसाधारण गीत कहते हैं। फ्रेंड आपका आंसर होगा लोकगीत। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, कादम्बरी के लेखक हैं, कादम्बरी के लेखक हैं। तो फ्रेंड्स, आपका दिया है पहला विकल्प प्रसाद, बाणभट्ट, रसखान या महादेवी वर्मा। तो आंसर होगा आपका फ्रेंड्स बाणभट्ट। नेक्स्ट है, गबन किस लेखक की कृति है, प्रेमचंद, यशपाल, रसखान या रामकुमार वर्मा। तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स मुंशी प्रेमचंद, अर्थात गबन प्रेमचंद की कृति है। नेक्स्ट है, गुण का तद्भव शब्द क्या है, अर्थात गुण का आपको बताना है तद्भव। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं, ए में है रूप, बी में है योग्यता, सी में है गुण और डी में आपका है धुन। फ्रेंड्स आपका होगा गुण, अर्थात गुण का तद्भव शब्द होगा आपका गुण। नेक्स्ट बात करेंगे इसी क्रमांक के अगले क्वेश्चन में, निम्न रूपों में सही वर्तनी का चयन कीजिए, साहित्यकार, साहित्यकार, साहित्यकार या साहित्यकार। तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा फ्रेंड्स बी वाला विकल्प, अर्थात आपका होगा साहित्यकार। बाकी के जो 3 विकल्प हैं ये शॉर्ट आउट हो जाते हैं, अर्थात इनमें से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट है, भिड़ंत में कौन सा प्रत्यय है, आ है कि अन है, कि अन है या आण है। फ्रेंड्स आपका आंसर होगा अन, अर्थात भिड़ंत में अन प्रत्यय है। नेक्स्ट है, चंद्रकांता किस लेखक की कृति है। आप जानते हैं फ्रेंड चंद्रकांता बहुत ही फेमस कृति है, तो इसे किसने लिखा है, आपको 4 विकल्पों में से 1 विकल्प के बारे में बताना है। इसे बाणभट्ट जी ने लिखा है, कि प्रताप नारायण मिश्र जी ने लिखा है, कि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, या देवकी नंदन खत्री ने लिखा है। फ्रेंड्स आपका आंसर होगा देवकी नंदन खत्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो चंद्रकांता के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। नेक्स्ट, कलम का सिपाही के लेखक हैं, अर्थात कलम का सिपाही जो फ्रेंड आपकी कृति है उसके लेखक कौन है। तो आपको बताना है, क्योंकि फ्रेंड यूपी पुलिस परीक्षा में लेखक और उनकी रचनाएं संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं, तो हमने सोचा कि इसके लिए भी आपको वीडियो बना दें, तो जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड उन्हीं को रखा गया है। तो आपका विकल्प दिया गया है, क्वेश्चन आपका है कलम का सिपाही के लेखक हैं, अर्थात कौन है, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, अमृत राय या देवकी नंदन खत्री। तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स अमृत राय। नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, पाठ पढ़कर कल आइए, कल आइए पाठ पढ़कर, या कल पाठ पढ़कर आइए, या पाठ पढ़कर आइए कल। तो 4 विकल्पों में से फ्रेंड आपका ये विकल्प सही है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प आपका सही होगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। फ्रेंड्स आपका आंसर होगा कल पाठ पढ़कर आइए, कल पाठ पढ़कर आइए था आंसर होगा आपका फ्रेंड सी। नेक्स्ट है, ध्रुव स्वामी के रचयिता हैं, आपको बताना है 4 विकल्पों में से प्रसाद हैं, कि निराला हैं, कि पंत हैं या महादेवी वर्मा हैं। फ्रेंड्स आपका होगा प्रसाद, अर्थात जयशंकर प्रसाद जी हैं, ध्रुव स्वामी के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट है, लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या है, आपको बताना है फ्रेंड्स लक्ष्मी का पर्यायवाची। लक्ष्मी का पर्यायवाची आपका होगा कमला, रमा या सभी या माला। तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स कमला, अर्थात लक्ष्मी का पर्यायवाची है आपका कमला। नेक्स्ट, दाल रोटी में कौन सा समास है, आपको बताना है तत्पुरुष है, कि कर्मधारय है, या द्विग है, या द्वंद्व समास है। फ्रेंड्स आपका आंसर होगा द्वंद्व समास, अर्थात दाल रोटी में आपका द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट है इसी क्रमांक का 13 नंबर का क्वेश्चन। तो फ्रेंड इसी सीरीज में नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर क्रमांक का क्वेश्चन। चलिए बात करेंगे सातत्य का विलोम क्या होगा, ये फ्रेंड आपका क्वेश्चन है। 4 विकल्प आपके साथ हैं, असत्य, असातत्य या तारतम्य, आपका होगा सत्य, अर्थात सातत्य का विलोम क्या होगा।
तो आपके पास चार विकल्प दिए गए हैं एबीसीडी, चार विकल्पों में से आपका एक सही है विकल्प, सही विकल्प के उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स बी वाला, अर्थात आपका होगा असातत्य। नेक्स्ट, मछली का तत्सम शब्द क्या है, आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है। मछली का तत्सम शब्द क्या है, मत्स्य है, मच्छिका है, कि मीन है, कि मीनाक्षी है। तो आपके पास चार विकल्प है फ्रेंड्स, फटाफट आप इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर है फ्रेंड्स मत्स्य, अर्थात मछली का तत्सम शब्द होगा मत्स्य। कुछ लोग इसको मत्स्य भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट है सीरीज का 15 नंबर क्रमांक का क्वेश्चन, कामायनी के रचयिता कौन है, अर्थात आपको बताना है कामायनी एक बहुत ही फेमस कृति है, तो वो किस लेखक की कृति है आपको बताना है। नीरज की है, नीरज मीन्स गोपाल दास नीरज, या विष्णु प्रभाकर की, या जयशंकर प्रसाद की, या शिव प्रसाद सिंह, जिसे सितारे हिंद के नाम से भी जानते हैं। तो आपके पास चार विकल्प हैं, चार विकल्पों में से फिर बताइए आंसर। आइए हम आपको बताते हैं, आपका होगा जयशंकर प्रसाद, अर्थात कामायनी के जो रचनाकार हैं, जो रचयिता हैं, वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट है इसी सीरीज का 16 नंबर का क्वेश्चन, धर्माधर्म में समास बताइए, अर्थात धर्माधर्म में कौन सा समास है, तत्पुरुष है, कि कर्मधारय है, कि द्विगु है, या द्वंद्व है। तो चार विकल्प आपके पास हैं, चार विकल्पों में से आपको बताना है कि धर्माधर्म में कौन सा समास है, या धर्माधर्म में उपयुक्त समास का चयन कीजिए, या धर्माधर्म में कौन सा समास है, या धर्माधर्म में समास बताइए। सभी आपका क्वेश्चन एक टाइप का ही है, ए में है तत्पुरुष, बी है कर्मधारय, सी है द्विगु, और डी है द्वंद्व। फ्रेंड आपका आंसर होगा द्वंद्व, अर्थात धर्माधर्म में द्वंद्व समास है। नेक्स्ट इसी सीरीज का आपका है 17 नंबर का क्वेश्चन, जागरण का विलोम होगा, जागरण का विलोम होगा भाग्य, निद्रा, कि द्विगु, या विनाश। तो आपको बताना फ्रेंड्स जागरण का विलोम क्या होगा, भाग्य है, कि निद्रा है, कि द्विगु है, या विनाश है। तो आपका आंसर होगा फ्रेंड निद्रा, अर्थात जागरण का विलोम होगा निद्रा। जागरण मीन्स आप जानते हैं फ्रेंड्स जागना, या जागृत अवस्था में रहना, और निद्रा मीन्स होगा आपका सुसुप्त अवस्था में रहना, अर्थात सोना। आइए बात करते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, आधे अधूरे किस लेखक की कृति है, आपको बताना है एक कृति है आधे अधूरे, तो इसे इसे किसने लिखा है, इसे किसने कंपोज किया है, इसके राइटर क्या है आपको बताना है। चार विकल्प आपके साथ हैं, धर्मवीर भारती, भीष्म साहनी, मोहन राकेश, या राजेंद्र यादव। तो आपके पास चार विकल्प हैं, चार विकल्पों में से फ्रेंड फटाफट आप इनका आंसर बताइए। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट की सीरीज चल रही है, और जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो कृपया आगे की वीडियो आपके चैनल पर अपलोड रहती है, उसे देख लीजिए कीजिए। तो बताना आपको आंसर इसका, कि आधे अधूरे किस लेखक की कृति है, धर्मवीर भारती की है, भीष्म साहनी की है, मोहन राकेश की है, या राजेंद्र यादव की है। फ्रेंड आपका आंसर होगा भीष्म साहनी, अर्थात आधे अधूरे लेखक की जो कृति है वो भीष्म साहनी जी की है। नेक्स्ट है इस सीरीज में दो क्वेश्चन बचे हुए हैं फ्रेंड्स, तो 19 नंबर क्रमांक क्वेश्चन है, 19 क्रमांक क्वेश्चन में आपका होगा शुद्ध या अशुद्ध का। तो ये देखते हैं, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, अर्थात जो चार विकल्प हैं उन विकल्पों में से आपका एक वाक्य शुद्ध है, तो इस विकल्प पे आपको नजर डालना है, क्या है वो। पहला दिया गया है राम और सीता वन में गए, दूसरा है राम और सीता वन को गए, तीसरा है राम और सीता वन की ओर गए, और आपका लास्ट है डी नंबर क्रमांक का क्वेश्चन या विकल्प, राम और सीता वन गए। फ्रेंड्स इन सब प्रश्नों को आप बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़िए, ताकि क्योंकि सारे विकल्प आपको जैसे लगते हैं, तो जल्दबाजी में कभी ऐसा होता है कि आपका आपने गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया है, और आंसर शीट में आपने गलत जो है गोला भर दिया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़िए, पढ़ने के बाद सहमत हो जाइए, जो विकल्प आपको उचित लगे उसी विकल्प का चयन कीजिए। तो बताना है आपको कि निम्न में से कौन सा शुद्ध है, उसका चयन करना है। राम और सीता वन में गए, राम और सीता वन को गए, राम और सीता वन की ओर गए, या राम और सीता वन गए। फ्रेंड्स आपका आंसर होगा राम और सीता वन को गए। फ्रेंड्स इस विकल्प के अलावा आपके जो तीन विकल्प दिए गए हैं वो आपके गलत हैं, तो इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं या अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, हमने 20 क्वेश्चन की सीरीज जो है चला रहे हैं यूपी पुलिस के लिए, जैसा कि कल से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है, तो इस क्वेश्चन इस सीरीज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपका क्या है देखते हैं, दो विरोधी मार्गों के बीच का मार्ग का क्या अर्थ है, अर्थात दो विरोधी मार्गों के बीच का जो मार्ग है उसका क्या अर्थ है। एक प्रकार से वाक्यांश के लिए शब्द टाइप का ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके लिए। कहा गया है कि दो विरोधी मार्गों के बीच का मार्ग, अर्थात दो ऐसे मार्ग हैं जो विरोधी हैं, और उनके बीच का मार्ग अगर आप अपनाएंगे तो क्या कहा जाएगा।
आइए देखते हैं कुमार्ग है कि सुपथ है या मध्य मार्ग है या आपका होगा सन्मार्ग। फ्रेंड्स आपके पास चार विकल्प दिए गए हैं, जैसा कि आपके क्वेश्चन बुकलेट में भी होगा, आंसर बुकलेट में भी होगा, तो इसको बता सकते हैं आप, गेस करिए और इसका आंसर बताइए। जैसा कि आपके सावधानी के लिए, आपकी सुविधा के लिए हमने इसका आंसर पहले से ही दे दिया है, फ्रेंड आपका होगा मध्य मार्ग, अर्थात विरोधी मार्गों के बीच का जो मार्ग होगा उसे मध्य मार्ग जो है कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये हुए हमारे 20 क्वेश्चन पूरे, आशा करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स ये वीडियो रुकनी नहीं चाहिए, आप जितने भी फ्रेंड और फैमिली हैं, जितने भी क्लास हैं आपके, जो भी आप कोचिंग यहाँ भी करते हैं, सभी में वीडियो आप सेंड कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके, ताकि वो भी मेहनत से और इसको याद करके अपनी परीक्षा को क्वालिफाई कर सकें। तो फ्रेंड्स वीडियो में बस इतना ही था, आपको बता दें किसी प्रकार की आगे की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपकी जो भी अपडेट हो पुलिस के लिए, हम जो भी वीडियो बनाते हैं तो आप कभी मिस ना कर पाएं, और जिससे अगर आप मिस नहीं कर पाएंगे वीडियो, तो आपसे अगर कोई जानना चाहेगा कि आप जो है भविष्य के एक अच्छे पुलिस वाले बनने जा रहे हैं तो इस प्रकार की अपडेट क्या आई है क्या नहीं आई है, तो फ्रेंड्स अगर आप जानकारी से रूबरू रहेंगे तभी आप अपने फ्रेंड को बता सकते हैं, तभी आप फ्रेंड और फैमिली में इसको शेयर कर सकते हैं। तो आपको एक बार बता दें कि कल से जो परीक्षा स्टार्ट हो रही है आपकी, उसके लिए आपको बहुत बहुत अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं आपका पेपर अच्छा हो, आप अच्छे नंबर से पास हो, आपका रिजल्ट अच्छा है। तो फ्रेंड्स वीडियो को अंत करते हैं, और इसी प्रकार की आगे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि हमारी जो अपडेट आती है इसे आप जो है कभी मिस ना कर पाएं। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, हैव अ ग्रेट डे।